बिच मुश्किल दे मैं अरे प्यारा पूछ ला
ओवे कातल चौथिया सालां दा मकतूल होवे छे छे महदा उर्मले नाम ने लेके अपने घर आए कूफा शहर दा घर अपने मां नूं आदे मां वे कितना इनाम है बहुत ज्यादा रादियां जागीदा ए इनाम मां दिए तू जरनैल किसे जरनैल नु मारे आदा ए मां मेरे नाल आ जिनू मैं मरिया हुणे तेरी गली विचो लंघ सी हुणे तेरी गली विचो लंघ सी मां नु ले आस मां दे कत्थ च पुत्तर दा इनाम है दूजे हत्थ च पुत्तर दी बाह है मकान दी छत आई अब्बास लंघी है इस नु मारे आदा नहीं अम्मा कासम लंघी है इस नु मारे नहीं अम्मा अकबर लंघी है इस नु मारे नहीं अम्मा आदि ये किस नु मारन दा एडा वड्डा इनाम है ए बेगैर हसे है हस के आवे आज दे मुंह च दूध पे आवांद है शबीर गुरबत की हकल दी अपने आप नूं पींगे चो सटिया छोटिया छोटिया कूणिया दे बल चलता होया खैमे दे दर ते आया अपनी वड्डी बहन नूं दे पैरां ते सोहणे सोहणे हाथ ला के डिठा सैन सकीना बह के अपने बिलाह नूं चाया सीने नाल आख्या दी ते तू बहर क्यों आया आदम मेरी मां नूं बुलाओ शबीर नूं खैमे सदो मेरे होंदिया गरीब क्यों सदांदा है मैं मौजूद हाँ मैनू लै चले मैदान मैं भी ते अली हाँ मैनू लै चलो शबीर जख्मी बंदे दे ज़हन विच ना भाई ए जड़ियां लाशां शबीर चाहिए ना सौखियां चाहिए ना ना ए फदर तो जख्मी होण लगी हुसैन अकबर चाया लड़के अब्बास दे लाशे ते गया लड़के कासम चाया लड़के जितने साहबी चाहे नहीं इमाम हुसैन सौखे नहीं चाहे अंदर खैमे च हुंदा ई बहन जख्म साफ कर घोड़े दी वाग बलाई तेरी जवानी नसीब होवे कदी ना रोवे अपने गमां च घोड़े दी जख्मी वाग सरकार फिजा कपड़ा मारे है शबीर दी तक पई आ जा जख्मी हुसैन खैमे दे दर ते आ गई रबाब मैनू तू अम्मा फिजा तुसा बुलाया आए तुहाडे इस्तकलाल तो कायनात कुर्बान कर अम्मा फिजा मैनू तुसा बुलाया रोके दी रबाब बुलाया नेड़े आके शबीर ने रबाब तू बुलाया नहीं मेरी जरूरत नहीं मैं तेरे इम्तिहान च मुखल होवां तू जरा घोड़े दी जीन तो झुक मेरे पास वेखी मेरे ओदे ना वेखो ओ बच्चियां ने सलाम कर रही गाजी अब्बास सरकार दा ओदे ना कोई बंदा वेखे जरा जीन तो झुक मंजर तेनू मैं विखावां जख्मी हुसैन ने घोड़े दी रकाब ते जोर दिता है सज्जी ते जोर दे के खब्बी ते शबीर झुकया है ते अंज करके लड़ रबाब ने खैमे दा हटाए वेदा पिया मौला तेनू इस बुलाया फिर बह नहीं सकिया ले आया है फजर दा जख्मी शबीर पुत्र नूं चाहिस क्यों बुलाए रो क्या दा है कित्थों दा कानून है मेरे चाचे दियां कातलां च खड़ो के मदद पिया मंगदा है ये आ मेरे अकबर दे कातल ने ये आ मेरे चाचे दे कातल ने ते मैनू मैदान च लै चल मेरे अका फरमाया असगर लाल दूजे गए उन्हें तलवारां चलाईयां नेजे चलाए अपने मकसद ते पूरे होके अपनी मंजिल अल चले गए ते तू की
करसे प्यो दे जख्मी हाथ चूम के दा मैं पानी मंगसा ते किमे मंगसे अंज वे के दा जिमे तेरी माँ हक मंगया है इस गल दा मैनू इल्म है उसनू हक नहीं मिलया मैनू पानी नहीं मिलना मैनू ले चलो तैयारी हो गई मला तेरी मेहरबानी तू मेरे पुत्र नू चाक ले चले और मामा ते पुत्र बचानियां ते करबला वालियां मावां नू करोड़ा सलाम नहीं जेड़ी आदि शाला मेरा पैड़ जावे शाला मेरा कबूल हो जावे हुसैन राजी हो जावे सरकार रबाब दी वाजी है छोटा है तेरा ली मेरा दिल में तैयार करो दो चोले पवाएस दो रुमाल बदेस निकी जी ढाल निकी जी तलवार ते कंघियां पता नहीं किवें कीतियां सी सारियां बीबियां देखे कीता सी निका जे हाथ चाके आई सलाम की जब आलिया दी वारी आई है ना ते आलिया मुंह ते मुंह रखे है ते शहजादा रो के आदे असि तेरे ममनून तू मुहाफ़िज़ा है इस्लाम है मुहाफ़िज़ा है हुसैन है असि तेरे ममनून हाँ असि तेरी औलाद दे ममनून हाँ रो पई मेरी शहजादी असगर अल्लाह दे हवाले ते ख्याल रखना है अपना अपने बाबे दा दुश्मन लईन है बदमाश है रबाब चाहे ते रो क्या दिए ख्याल करी तीर असगर तैनू लगे प्यू तेरे नू जख्म तेरी वजह तो ना आवे बहुत लंबी शहादत है क्योंकि मैं अगे मेरे को टाइम बहुत थोड़ा होंगे जाने वास्ते ते आले मोहम्मद थानू इस तरह जी मैं गल करना चाहना ये झूला पाक के पास वासी जी शाह जी हाँ सामने ठीक है जी मैं जो इशारा कर सा तुसी झूला लो सो मैं शहजादे नाल दो गल्लां करनी है अजय नहीं मैं अजय पढ़ता पाया शहादत मैं पूरी तो आना है पुत्र नू चाया चाक टुर पे जीन ते बैठा मैदान आया शहजादा इत्थे आई ना जे सुनी हुई गल ते मैं तेरा मुजरम ते जे ना सुनी हुई ते फिर मेरे हक दुआ कर छड़ना पीर बाबर शाह जी नस्ली अदादार हैं ते सैयद हैं ते सुचा सैयद हैं मैं गल ओकर लगा जेड़ी ना सुनी उसी ये चैलेंज है शहजादा अली असगर इत्थों प्यो दी बांह तो एन उल्टा हो गया ते मेरे आका दी आवाज असगर घबरा गए हैं ते रो क्या दे नहीं तुसी अपना काम करो जेड़ा करदे पए हो मैं ते झुक झुक के कदी अपना अब्बास वे ना मैं कदी अपना अली अकबर वे ना मैं कदी अपना आन मुहम्मद वे ना वो किधे टुर गए कौन एन दे बादशाह फरमाया मैनू मरन तो पहले ना मार रबाब दा लाल है सीधा होया शहजादा लैके आ गए कुरान दा मेरा गिद्दी आंदा इहदी मननी नहीं मौला फरमाया नातिक कुरान दा आखरी वरके एक घुट पानी दा दियो उन्हें आख्या तू जो आना साढ़े पींगे आले बोलते हकीम साहब तू जो आना साढ़े पींगे आले बोलते ते इनू आख ना बोले आप मंगे दिसाए मुख्तार सरकार दे दरबार च लाइन पेश होया हो सकया मुख्तारा दो गल्लां मैं सुन सकिया मैं अठवीं सफ दे विच अठवीं सफ बसरे दे नेड़े आई दो गल्लां मैं करीब तो सुनिया उन्हें आख्या केड़ी केड़ी मुख्तार जिस वेले करबला च दा मुहर्रम दी डीगर ढली है ना उस वेले मैंने ही पता लगे मेरे कान ते किसे निके जे बच्चे आख्या ओ लोगो मैं दसा मातम दी आवाज आवे रबाब राजी हो जावे लोगो मैं प्यासा लोगो मैं दसा दूजी केड़ी आवाज सुनी हां वो अदम बारहवीं साफ विचास अठवीं साफ विचास मैं बड़े ही दूर कम आई वो जड़ी आखिरी मैं गल सुनी ना वो ये आई हल मिन नासर यंसुर अल्लाह है कोई मैं गरीब दियां बहनों नूं वतन पहुंचाने वाला है कोई जड़ा ज़हरा दियां धीआं नूं इन्हां कुत्तियां तों बचावे ये दो गल्लां मैं आप सुनिया ने यह जड़ा बच्चा ये पता नहीं की आई कौन आई किदा कुछ लगता है बिल्कुल छोटा उन्हें आख्या वह तेरी असगर आई यानी प्यू का इस्तगासा
आलमीन ने सुने ते पुत्र दा पानी मंगना 9 लाख ने मंग सुने। जो पानी जिस बगदड़ मची लोगों च उन्होंने यार उठ पानी पे पीते ने घोड़े पानी पे पीते ने साढ़े जानवर पानी पे पीते ने छोटा जहा बच्चा है। इस गल का हम तो नहीं पता जड़िया मेरिया बहन मेरिया धीं परदादार तशरीफ ले आई अंदर परदे जिन्ह दौड़िया च बच्चे एडे एडे हैं उन्होंने पता है कि माँ 2 पोटे पानी के तर करके पुत्र के मूँह से लावे वो प्यास बुझ जाती है। फौजी भज पै जो भगदड़ वेखी सिमर ने और मैनू आता तू किस वास्ते आया ये जबान बच्चे की बंद कर। तीजी बारी पानी मंगया साड़ी आपस से जंग शुरू हो जा। इस बेगैरत ने तीर कमान बड़ा वजनी तीर जेज पाया अकेले करम मजल लाने वास्ते आदि के लोहे की कमान ना कमान लोहे की हो सकती ही नहीं। ठीक है जी ये कमान उस लकड़ की है तो जोरदार है तो आम बंदे वाला तीर कमान नहीं ये बड़े बहादुर बंदे वाला तीर कमान है। इस वो तीर चिल्ले च पाया जो जंगा च घोड़िया मारिया जाता है। अं तीर चिल्ले च पाया मेरे पास वेखी तीर चिल्ले च पाया दौड़िए रबाब रोकिया दी आज पता लगे मेरे प्यू मेरे दाज तीर कमान क्यों रखाया है। फैसले की मजल सी जरा ख्याल ना सुन आज पता लगे मेरे प्यू मेरे दाज तीर कमान क्यों रखाया है। तीर कड़िया है अपना पेका संदूक खोले तीर कड़िया कमान तीर जेच रखे बज पइए फिजा आदि ज़ैनब जल्दी आ भरजाई जंग ते जुड़ गई है मेरी सैन भजदी भी आई आदि रबाब रुक जा सैन दा सामने निशाना तीर अंदाजा दी दी है तीर जमीन ते रखे जी ज़हरा दी दी मेरी सैना दी मेरा तेरा नाम क्या है रबाब तेरे प्यू का नाम क्या है नाम दस्या मेरा प्यू हैदर करार बीबी आदि ते बहादुर कौन है आदि तू बहादुर तेरा अब्बास बहादुर तेरे प्यू बहादुर तेरा चाचा बहादुर बीबी आदि रबाब दौड़ता ते वाजे बोवे आते अब्बास की कंठ पिछे रुकैया लड़े हा जंग दौड़ता ते वाजे बोवे आ मैं हुसैन की कंठ पिछे आप हमले करा जंग औरतों से वाजिब नहीं लोग अक्सर अली दियाँ नूहां लड़दियाँ रही मेरी सैना दी मैं तीर चलावन लगी हाँ सैन मैं तीर अंदाजा दी दियाँ एदा निशाना असगर नहीं शबीरे एक तीर नाल ज़हरा दे 2 पुत्र मारना चाहता मेरी सैना दी नहीं जो शबीर का हुक्म है वह कर तीर कमान रख तू जो तीर अंदाजा दी दी है पुत्र हकल मार वो तैयार हो जाए मेरी सैन ने लड़के ना आधा टाए रबाब हकल मार के दी बेलाल गर्दन सिद्धी गाने में तीर प्यू नू लग वैसिया अपने प्यू दिया गलियां तो लग गया अपने काबल मार दे मैं पानी मने आए कुछ लम मैं बेचुर में चल जहरा दारा किशिस्त सही चल गया कदा दी असगर गल शंपीर का बालू पुत्र दे मुंह ते झुक याद है रज के पीते ही असगर प्यू दे हाथ चुम के याद है बालू तो बच गई मेरी मां ते नाराज ना होए मैं तेरा शुक्र गुजारा बह गया शंपीर मैं किसी का हक कदी नहीं रखिया जिहड़ी गल किसी की होवे मैं मिंबर ते करना एक कंबर साहब का बंद है शेखपुरे वाले का वह ना बंद मुल्तान पड़िया तो एक नौजवान मातमी मातम करता करता शहीद हो गया। अज भी उस शहीद की तस्वीर दौलत गेट इमाम बारगाह दे विच लगी हुई बंद केड़ा आई चुकया शपीर पुत्र ते शायर ने मंत्र रकम किया पुत्र शफीर
हुसैन करीबा क्या नहीं आ जा।